नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजुम भाटे। पैरोल के आने के बाद डेरा मुखी राम रहीम जी साथ संदिग्ध की संख्या भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई गुना बढ़ गई है। इनकी कृपा साथ संगत के साथियों पर बनी रहती है, इसीलिए भी इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आए दिन हर रोज डेरा मुखी जी को शुभ समाचार सुनने को मिल रहे हैं, चारों तरफ से भी शुभ संकेत मिलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ अवरोध खड़े किए गए थे, उसके बावजूद ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जहां आलोचक इनकी आलोचना करने में थकते नहीं थे, वो भी अब इनकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में इनके खिलाफ डाली गई पैरोल खारिज करने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी करने के बाद कानून के जानकार भी अचंभे में हैं और अब मानने लगे हैं और कोर्ट की हां में हां मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनके आशीर्वाद से शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल श्री गुरुसर मोदिया संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा स्कूल के विद्यार्थियों ने कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि डेरा मुखी राम रहीम जी के आशीर्वाद से 17 साल के अंडर 17 फुटबॉल टीम ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट 6.0 से जीता, जो कि डेरा मुखी के आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं था। कहते हैं जिस पर डेरा मुखी की कृपा हो जाए उसका बेड़ा पार है, जो कि इस टीम के जीतने के बाद सच भी हो गया है। डेरा मुखी के आशीर्वाद के साथ साथ शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल श्री गुरुसर मोदिया स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय भारत को जानो सामान्य ज्ञान टूर्नामेंट में प्रथम स्थान हासिल किया और अब राष्ट्रीय स्तर भारत को जानो टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा द्वारा बताई गई तकनीकों और उनके पावन आशीर्वाद को दिया है। ये जीत डेरा मुखी के आशीर्वाद के बिना अधूरी थी। अब शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल श्री गुरुसर मोदिया संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा स्कूल के विद्यार्थियों को देखते हुए भारत के अन्य स्कूलों के छात्र भी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को फॉलो करने की तैयारी में जुट गए हैं। जिस स्पीड से इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही विश्व में डेरा मुखी राम रहीम जी का कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।